अल्हम्दुलिल्लाह से पहले की बनिस्बत जो है ना, इस दफ़ा मंडी काफ़ी वसी एकड़ पे लगी है। पहले 600 एकड़ पे लगती थी, इस दफ़ा 1200 एकड़ पे लगाई है ताकि SOPs का ख्याल किया जाए। मंडी के हवाले से सबसे पहले काम हमने किया ही यही है कि SOP का ख्याल रखा जाए, जिसके लिए मास्क है और सैनिटाइजर गेट लगाए हैं, लोगों के लिए स्पेशली स्प्रे भी रखे हैं, हर जगह हर गाड़ी पर भी हम स्प्रे कर रहे हैं ताकि किसी को भी ये इशू रहे ही नहीं। कोरोना इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पेंडेमिक है, उससे बचने के लिए ये सारे इंतजाम किए गए हैं, ख़ास तौर पे क्योंकि यहाँ पे हम बावजूद रोकने के लोग बच्चों को भी लेके आ रहे हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चों को सिर्फ गाड़ी में रखें, बाहर ना घुमाएं, क्योंकि बच्चों का ही शौक़ है सबसे ज़्यादा और लोग उसी के लिए आ रहे हैं। एहतियात तो लोगों ने खुद ही करनी है, हमसे बता सकते हैं तो हम बताए जा रहे हैं, हमने स्क्रीन लगाई भी है, उस पर मुसलसिल उसमें कॉमेंट्री भी चल रही है कि आप एहतियात करें, तो लोग कर रहे हैं, लोगों में शऊर बहुत आ गया, समझ रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। सिक्योरिटी के हवाले से हमने पूरी मवेशी मंडी के अंदर ये कैमरे लगाए हुए हैं, सही है, जिनको मॉनिटरिंग हम यहाँ से भी कर रहे हैं और एक कंट्रोल रूम हमारा मवेशी मंडी के सेंटर में भी है, वहाँ से भी उसको कंट्रोल कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारी 3 से 4 गाड़ियाँ वो पेट्रोलियम पे भी होती हैं, बाइकों पे अलग लोग होते हैं जो पेट्रोलियम पे होते हैं। मंडी में अब तक की जो सिचुएशन है वो तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा जानवर आ चुके हैं, जिसमें दुम्बे भी हैं, बकरे भी हैं, गाय भी हैं, ऊँट भी हैं, सब चीज़ें, और दुनिया भर की नस्लें भी यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है, पाकिस्तान की तो हैं, दूसरी जगहों के तुर्की की नस्ल भी यहाँ मौजूद है। इसके अलावा और जो अभी है क्लियर सिचुएशन है, तकरीबन 6 से 8 लाख मज़ीद जानवर और आएंगे। इंतज़ामिया की जो बेसिक नीड थी, जो हमने सब देखा ख़ास तौर पे कि उनको पानी की परेशानी ना हो, तो पानी के लिए हमने जगह जगह स्टॉल लगाए और मुख्तलिफ कंपनीज को हमने यहाँ पे हायर किया कि वो आएँ और अपने स्टॉल लगाएँ। तकरीबन 2000 स्टॉल्स हैं, जिसमें रेस्टोरेंट भी शामिल हैं, खाना पीना हर चीज़ मिलता है, 24 घंटे अवेलेबल है, लोगों को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। इवन ये कि हमने वॉशरूम्स भी लगवाए हैं लोगों के लिए, ताकि ये एक बेसिक बुनियादी वो है नेसेसिटी है, उसके लिए तो चाहिए चाहिए, तो वो भी हमने बनाया। पूरे कराची और हैदराबाद में एक ही मंडी लगी है और इसी मंडी ने पूरे कराची और हैदराबाद को केटर करना है। इवन ये कि इस बार पंजाब से बहुत ज़्यादा लोग आए हैं यहाँ पर, जो जानवरों के साथ लोग आए हैं तकरीबन 1.5 से 2 लाख हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं मुसलसिल पिछले 30 दिनों से, और ये अब आगे भी चलेगा, ईद तक ये चलेगा। और जो लोग आए हैं अब तक तकरीबन 3 करोड़ लोग आ चुके हैं जो मंडी को विज़िट कर रहे हैं, और जो एवरेज हम समझ रहे हैं कि तकरीबन 6 करोड़ लोग यहाँ आएंगे। तकरीबन सिर्फ़ और सिर्फ पार्किंग की अगर हम बात करें तो तकरीबन 500 लोग काम कर रहे हैं सिर्फ पार्किंग के लिए, बाकी अलग हैं, वेटरनरी डॉक्टर बैठे हुए हैं कि अगर किसी भी जानवर को कोई मसला होता है तो वो फौरन वहाँ पे लेके जाते हैं या डॉक्टर को बुला लेते हैं, दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। आप यहाँ आएँ, देखें, रूमर्स या अफवाहें जो फैल रही हैं वो उसका सद्देबाप सिर्फ इसी बात से हो सकता है जब तक आप आएंगे नहीं यहाँ पर। यहाँ आएँ और देखें, और जो लोग यहाँ पर हैं उनसे पूछें कि यहाँ पर उनको आने के बाद क्या नज़र आ रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है ये सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन हैं, हमने सारे इंतजाम किए हुए हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमें पहली सबसे पहली बात यही थी कि SOP का ख्याल रखना है, वो हमने किया हुआ है।